जगन्नाथ धाम में सबको सुस्वागत है। इतनी धूपा में भी देख सकते हैं भक्त कैसे, बहुत गर्मी है, इतनी भीड़ थी तब से मस नहीं हो रहा था। भाई एक समय तो लगा मैं मर गया। कैसा लगा? अरे बहुत खतरनाक। स्वागत है दोस्तों भगवान जगन्नाथ की धरती पुरी से। आज है जगन्नाथ रथ यात्रा, आज है 7 जुलाई। मैं भी पहुंच चुका हूं भगवान जगन्नाथ की यात्रा में और आपको भी पूरे दर्शन कराऊंगा। और सुबह सुबह का माहौल आप यहां देखिए, इतनी गर्मी है जिस वजह से ना लोगों के ऊपर बारिश की बौछार की जा रही है। यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है उन्होंने अपने अपने तरीके से सब अलग अलग कंपनी लोगों के ऊपर बौछार करनी है यहाँ पे। सिर्फ आज क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और ह्यूमिड इतना है तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिल रही है इसकी वजह से। और यहाँ पे अभी मंदिर यहाँ से देखो वहाँ इतना दूर है और अभी तो रथ यात्रा का टाइम है ना, आज है 2 बजे रथ यात्रा निकलने का। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं हूँ इस समय जगन्नाथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब। चलिए पूरी जगन्नाथ यात्रा आपको कराऊंगा, बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और रथ की जो टाइमिंग है ना वो है 2 बजे के आसपास। और अभी इतनी भीड़ है ना यहाँ पर, अब मुझे देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की भीड़ है और किस तरह की यहाँ पर गर्मी है। और पूरा जो रास्ता है ना वो ब्लॉक हो चुका है भक्तों से। यात्रा निकलने वाली है और सूरज देवता भी मेहरबान हो गए हैं सारे भक्तों पे। मैं आपको मौसम दिखाता हूँ यहाँ का, कैसा मौसम हो चुका है। इस समय बज रहे हैं 9:30, ये देखिए ऊपर सूर्य देवता भी पूरी तरह से खुश हो गए हैं। भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलने वाली है कुछ ही देर में। मौसम देखिए आप कैसा हो गया। अभी कुछ देर पहले जब थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था तो कितनी सारी धूप थी और अब देखो जैसे जैसे समय पास आता जा रहा है ना यात्रा का वैसे वैसे मौसम भी बदलता जा रहा है दोस्तों यहाँ का। जगन्नाथ का क्रेज देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कितना क्रेज है लोगों में। अभी रथ यात्रा निकली भी नहीं है और अभी देखिए कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। मौसम बदल चुका है पूरी तरह से मौसम बदल गया। देखो अभी कुछ देर पहले धूप थी और अब देखिए मौसम कैसा हो गया। और इतना मज़ा आ रहा है ना, अगर आप भी प्लान करते हैं ना जगन्नाथ आने का तो एक बार कोशिश करें रथ यात्रा में जरूर आने के लिए। ये देखो इतनी सारी भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबा रास्ता है और पूरा रास्ता ऐसे फुल पैक है। आप भीड़ का अंदाजा लगाइए कितनी है, आपके अंदाजे से 4 गुना भीड़ है यहाँ पे। दोस्तों मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, पल में धूप आ जा रही है और पल में आ जा रहा मौसम बादलों वाला। तो इतनी भीड़ है ना मेरे पीछे, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और इससे ज्यादा भीड़ है आगे आपको दिखेगा। ये देखो और अभी तो भगवान अभी मंदिर के अंदर ही है, जब इतनी भीड़ है जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कितनी भीड़ होने वाली है यहाँ पर। इस समय यहाँ पर लाखों पब्लिक है, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी यहाँ पर पब्लिक है। जगन्नाथ
जगन्नाथ जी है, पति पावन है, जगत के नाथ है, क्योंकि भगवान के पास में कोई यात्री नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, महाप्रभु जगत के नाथ है, महाप्रभु जगन्नाथ जी है ना, सबका ठाकुर है, सबका भगवान है, ऐसा में कोई जाति नहीं, पंथ नहीं, भगवान की सबकी है। तो दोस्तों ये देखिए ये भीड़, आप अंदाजा लगाइए जब आने वाला होगा रथ तब किस तरह का माहौल होगा। अभी तो रथ मंदिर से ही नहीं निकला है, अभी बज रहे हैं 4:30 से ज्यादा हो गया, और जो टाइम था ना वो था 4 बजे रथ निकलने का, और सब हैं इंतजार में कब भगवान निकलेंगे अपने मंदिर से और दर्शन देंगे इन सभी भक्त को। तो दोस्तों देखो अभी ना दुकानें लगी हुई थी रास्ते में, ये जो फेरी वाले होते हैं ना सबको उठा दिया, और ये देखो आप जो मूवमेंट देख रहे हो ना क्राउड का, इसका मतलब है भगवान आने वाले हैं थोड़ी देर में। ये देखो जो मूवमेंट है ना, और एक चीज़ और मैंने देखी है जो एम्बुलेंस आ रही है ना इसके पीछे, मैं सोच रहा था ये लोग इतने सारे क्यों भाग रहे हैं, इसका मुझे अब रीज़न पता चला भागने का, कि एम्बुलेंस के पीछे पीछे आप भागोगे ना तो सीधा मेन गेट पर पहुँच जाओगे आप भीड़ से बच के, सिर्फ एम्बुलेंस के पीछे पीछे भागे जाओ और पहुँच जाओगे आप मेन गेट पर, अगर वापस आना है तो फिर एम्बुलेंस के पीछे भाग जाओ। तो ये ट्रिक मुझे पता चली यहीं पर, भैया रथ अगर पहुँचना है ना मंदिर के पास तो आप एम्बुलेंस के पीछे पीछे भाग लो और पहुँच जाओगे मंदिर के पास। और देखो मूवमेंट जो क्राउड का मूवमेंट है ना वो देखो कैसे होने लगा है, यानी कि भगवान अपने मंदिर से निकल के आने वाले हैं लोगों के बीच में, लोगों को दर्शन देने के लिए। जो ट्रक है ना ये साथ साथ चलेंगे और बैरिकेडिंग करते हुए चलेंगे, भीड़ को एक तरफ करते हुए, और इसके पीछे पीछे आएगा रथ जो कि निकलेगा। ये ट्रक जो है ना इनमें बैरिकेडिंग है तो इसको लगाते रहेंगे साथ के साथ, और आगे मूवमेंट चलता रहेगा और बीच में कोई भी नहीं आएगा। जो रस्से को खींचते हुए लाते हैं ना पुलिस फोर्स के लोग, वो सब उसको खींचते हुए लाएंगे। बीच में सिर्फ खाली रास्ता होगा रथ के लिए, और चारों तरफ होगा क्राउड जो कि चलेगा रथ के साथ साथ। ये देखो ये जो है ना एम्बुलेंस के पीछे जो ये भीड़ भाग रही है उसका एक ही कारण है, एम्बुलेंस के पीछे भागे जाओ और मंदिर के पास पहुँच जाओगे, इतने लाखों भीड़ को चीरते हुए आप पहुंच जाओगे मंदिर के पास एम्बुलेंस को फॉलो करते करते। क्राउड का मूवमेंट देखिए कैसे सारे भाग रहे हैं देखो। दोस्तों भीड़ देख रहे हो आप मेरे पीछे, इसका मतलब है कि यात्रा भगवान आने वाले हैं बाहर, और रथ यात्रा वहाँ से स्टार्ट हो गई। और जो भीड़ का मूवमेंट है ना वो आप देखिए किस तरह से मूवमेंट हो रहा है भीड़ का बाहर, और इतना सारा क्राउड आ रहा है ना एकदम से अंदर से निकल के, ये देखिए आप। और ये संकेत दे रहा है कि प्रभु आ रहे हैं बाहर की तरफ, ये देखो आप। पूरी रथ यात्रा में ना आप एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस दिखेंगे, क्योंकि है ना इतनी गर्मी उमस हो रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं इस वजह से। देखिए अब एक अभी एक जहाँ पे हम थे वहीं पे एक बंदा बेहोश हो गया, उसको लेके जा रही है एम्बुलेंस, ये देखो। इतना क्राउड मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है किसी भी इस तरह के ओकेजन में। और जगन्नाथ रथ यात्रा वर्ल्ड फेमस है इसी के लिए कि बहुत सारे भक्त आते हैं भगवान को देखने, और भगवान खुद आते हैं मंदिर से बाहर निकल के अपनी प्रजा को देखने के लिए, स्पेशली जगन्नाथ रथ यात्रा में। तो इसी वजह से इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है, जहाँ से पूरे देश से ही नहीं पूरे वर्ल्ड से भी लोग आते हैं इस यात्रा में शामिल होने। तो मैं भी खुश नसीब हूँ जो मैं इस समय पहुँचा हूँ जगन्नाथ रथ यात्रा में। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं इस यात्रा का अद्भुत नज़ारा। और अभी देखिए मैं आ गया था सुबह 9:30 यहाँ पर, और अभी बज रहे हैं 5:30। तो भाइयों अभी तक तो रथ यहाँ पहुँचा नहीं है, हम आगे जा रहे हैं, हो सकता है आपको दर्शन कराएं। रथ को बोल रहे हैं कि रुक गया वहीं पे, क्योंकि इस बार की यात्रा है ना वो 2 बार होने वाली है, तो अभी रथ रुक गया है। तो चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर रुका हुआ है, और फिर हो सकता है सुबह भी आपको दर्शन कराएंगे रथ का। अभी चलते हैं यहाँ से जहाँ से रथ रुका हुआ है। सूर्यास्त हो गया है ना, ये देखो बाहर ऊपर मौसम, तो जिस वजह से ना रथ है वो रुक गया है एक ही जगह। अब चलते हैं आगे, तो आपको दिखाते हैं कि रथ कहाँ तक पहुँचा है।
तो भाई और रथ अभी यहीं पे रुक गया, आगे इसको नहीं जाने दे रहा क्योंकि कल फिर से यात्रा होगी स्टार्ट रथ की, क्योंकि अभी जो है ना भाई जो सूर्य है वो अस्त हो गया है, जिस वजह से अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा रथ को। और सुबह 9 बजे से हम यहाँ पे हैं और अभी 6:30 से ज्यादा बज रहा है और अब चल रहे हैं वो जगह जहाँ पर रथ है, यहाँ पर वो मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ ही दर्शन करा देता हूँ आपको, बाकी जो वीडियो होगी वो कल आपको दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल का जो ये रथ है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ से ना भाग के हमें जाना होगा क्योंकि बहुत भीड़ा भी मौका मिला है बाहर निकलने का। तो पहुँचते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के। तो देखो दोस्तों भगवान जगन्नाथ का रथ आ गया, फाइनली मैं पहुंच गया उस पॉइंट पर। ये देखो और जगन्नाथ का रथ भी मैंने रास्ता पकड़ा है इस समय। देखो आप बोले कि हम पहुंच भगवान जगन्नाथ का रथ खींचना। ये देखो ये है वो रोप, ये देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा में मत आना गाइस, बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा। कैसे चार बजा गए, कैसे बचा भाई? एक समय तो लगा मैं मर गया। कैसा लगा? अरे बहुत खतरनाक, किसी ने एक पुलिस वाले ने मेरा पीछा टांग करके मारा। अरे इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है भाई। मैंने इमेजिन नहीं किया था इतना बुरा हाल रहेगा, उससे ज्यादा बुरा हाल वहाँ पे। दर्शन तो हम कर रहे हैं, अब आपको ना थोड़ा सा दिखाएंगे माहौल कैसा रहेगा। 2 घंटे हम एक ही जगह बैठे रहे कि रथ यात्रा अब आएगी अब आएगी अब आएगी, लेकिन पता है ना इतनी भीड़ थी तब से मस नहीं हो रहा था रथ, जिस वजह से हमने भी सोचा कि चले आगे जाके रथ का दर्शन करते हैं। और वहां हम जब पहुंचे ना तो इतना सारा क्राउड बुरी इतनी बुरी तरह से फंस गए, इतना बड़ी मुश्किल से वहाँ निकले हैं। और जो भी जैसे भी फुटेज आई होगी वो आपको दिख रहा होगा कि रथ के दर्शन करते समय वहाँ हमें जान ही बचाना भारी हो गया टक से बाहर आने का था वो। हाँ बहुत बुरा हाल है सही में। चलिए दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और कल लेके चलेंगे आपको यहाँ का जो बीच है उस पर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय जगन्नाथ अगर आप भी आना चाहते हो। और साथ ही बताता हूँ अगर आप आ रहे हैं ना जगन्नाथ रथ यात्रा में तो बच्चों को महिलाओं को बुजुर्गों को बिल्कुल मत लाइए।